व्हाट्स अप गाइस, आई एम बैक और आज हम लोग ट्रांसलेट करने वाले हैं आरियाना ग्रांडे का POV यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि दृष्टिकोण। आरियाना जी ये गाने में दृष्टिकोण की बात कर रही है, मतलब वो ऐसा कह रही है कि वो अपने आप को उनके बॉयफ्रेंड के दृष्टिकोण से खुद को देखना चाहती है। मतलब इमेजिन करिए कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं और मैं अपने आप को आपके दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं, तो कैसा हो जाएगा? क्रेजी ना, क्रेजी। तो आइए जानते हैं क्या दृष्टिकोण है आरियाना जी का। इट्स लाइक यू गॉट सुपर पावर्स, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास महाशक्तियां हैं। टर्न माई मिनट्स इंटू आवर्स, मेरी मिनटों को घंटों में बदल दिया है। यू गॉट मोर देन 20/20 बेब, तुम्हारी दृष्टिकोण एकदम सही है मेरे प्यारे। मेड ऑफ ग्लास द वे यू सी थ्रू मी, जिस तरह से तुम मेरे भीतर से देख लेते हो लगता है मैं कांच की बनी हूँ। यू नो मी बेटर देन आई डू, तुम्हारी समझ मेरे से बेहतर है। कांट सीम टू कीप नथिंग फ्रॉम यू, ऐसा लग रहा है जैसे तुमसे कुछ छुपा नहीं पा रही हूँ। हाउ यू टच माई सोल फ्रॉम द आउटसाइड, तुम मेरी आत्मा को इतना बाहर से ही कैसे छू लेते हो भाई। परमिएट माई ईगो एंड माई प्राइड, मेरे अहंकार और मेरे गर्व के आर पार जा रहे हो तुम। आई वॉन्ट लव मी, मुझे खुद को प्यार करना है। द वे दैट यू लव मी, मुझे खुद को ऐसे प्यार करना है जैसे तुम मुझे प्यार करते हो। ओह फॉर ऑल ऑफ माई प्रिटी, अरे मेरी सारी खूबसूरती के लिए। एंड ऑल ऑफ माई अगली टू, और मेरी सारी बदसूरती के लिए भी। आईड लव टू सी मी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने आप को तुम्हारे दृष्टिकोण से देखना पसंद करूंगी। आई वॉन्ट ट्रस्ट मी, मैं अपने आप पे भरोसा करना चाहती हूँ। द वे दैट यू ट्रस्ट मी, तुम जैसे मुझ पे भरोसा करते हो वैसे मैं अपने आप पे भरोसा करना चाहती हूँ। ओ कॉज नोबडी एवर लव्ड मी लाइक यू डू, क्योंकि कभी किसी ने मेरे से ऐसा प्यार नहीं किया जैसा तुमने मेरे से किया है। आईड लव टू सी मी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं अपने आप को तुम्हारे दृष्टिकोण से देखना चाहती हूँ। आई एम गेटिंग यूज टू रिसीविंग, मैं चीजें प्राप्त करने की आदत डाल रही हूँ। टिल गेटिंग गुड एट नॉट लीविंग, तुमको नहीं छोड़ने के मसले पे अभी धीमे धीमे अभ्यास कर रही हूँ, अभ्यास चल रहा है। आई एम लव यू इवन दो आई एम स्केर्ड, ओ स्केर्ड, मैं तुम्हें प्यार करूंगी भले मुझे डर लगता हो फिर भी करूंगी, हाँ चिंता मत करना। लर्निंग टू बी ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ, मैं खुद के लिए अपने आप को आभारी मानना सीख रही हूँ। यू लव माई लिप्स कॉज दे से द थिंग्स वी हैव ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ, तुम्हें मेरे होठ पसंद है क्योंकि मेरे होठ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे हम हमेशा से डरते हैं। आई कैन फील इट स्टार्टिंग टू सबसाइड, मैं ये देख रही हूँ कि अब ये धीमे धीमे कम हो रहा है, अब मेरे होठ बकवास नहीं करते। लर्निंग टू बिलीव इन वॉट इज माइन, जो चीजें मेरी है वो चीजों पे विश्वास करना मैं सीख रही हूँ। I couldn't believe it or see it for myself, मैं खुद विश्वास नहीं कर पाई और खुद देख नहीं पाई। Boy, I be impatient, but now I am out here, लड़के मैं बेरहम हो गई हूँ पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ। Falling, falling, frozen slowly, गिरी गिरी जम गई धीरे से। Falling got me right, गिरने से मैं सच्ची हो गई। I won't keep you waiting, मैं तुम्हें इंतजार करते हुए देखना नहीं चाहती। All my baggage fading safely, my baggage fading, मेरा इतना सारा सामान लुप्त हो रहा है धीरे धीरे, मेरा सामान लुप्त हुआ। एंड इफ माई आईज डिसीव मी, और अगर मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया। वोंट लेट देम स्ट्रे टू फार अवे, उनको मैं ज्यादा दूर तक भटकने नहीं दूंगी। आई वॉन्ट लव मी, मुझे खुद से प्यार करना है। द वे दैट यू लव मी, जिस तरह से तुम मुझसे प्यार करते हो उस तरह से मुझे अपने आप से प्यार करना है। ओ फॉर ऑल माई प्रिटी एंड ऑल माई अगली टू, मेरी सारी खूबसूरती के लिए और मेरी सारी बदसूरती के लिए मुझे अपने आप से प्यार करना है, ठीक है। आईड लव टू सी मी फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे अपने आप को तुम्हारे दृष्टिकोण से देखना है कि मैं कितनी सेक्सी दिख रही हूँ। आई वॉन्ट ट्रस्ट मी द वे दैट यू ट्रस्ट मी बेबी, मुझे खुद पे भरोसा करना है जिस तरह से तुम मुझ पे भरोसा करते हो, मैं अपने आप पे क्यों नहीं कर सकती, मुझे भी करना है खुद पे। सो ऑन रिपीट हो रहा है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, ये था आरियाना ग्रांडे का POV पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण। कैसा लगा आपको ये गाना, क्या आपने ये गाना सुना है? प्लीज लाइक और शेयर कर देना ये वीडियो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।